नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल JMD डिजिटल MP में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी CSC वेली है या आप भी कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक हैं और आप भी CSC ID यूज़ करते हैं, तो अगर आपको भी अपनी CSC ID में वॉलेट टॉपअप करने में एरर आ रहा है या फिर आप वॉलेट टॉपअप नहीं कर पा रहे हैं। वॉलेट टॉपअप मतलब कि जैसे कि आप वॉलेट टॉपअप करके बिजली बिल पे की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या और कोई भी सर्विस के लिए अगर आप वॉलेट को टॉपअप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप CSC पोर्टल पे वॉलेट टॉपअप या वॉलेट एड मनी कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो कर लेते स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या कई बार आ चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको सिंपल सा कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल में आपको सिंपल सा लिख देना है CSC लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के लिए ये URL मिल जाएगी। आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पेज का इस टाइप से देखेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन मिल जाता था, यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी CSC ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद सिंपल सा साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद आपको सर्विस और डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिख जाता है। ऑफिशियल CSC पोर्टल का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। इस टाइप से बटवे का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर वॉलेट लिखा रहता है, वॉलेट और समरी और EMI बिल पे पेमेंट से, यहाँ पर एड मनी। तो इसी ऑप्शन में आपको सिंपल सा जाकर यहाँ पर आपको एड मनी करना है या वॉलेट टॉपअप भी इसे बोल सकते हैं। तो वॉलेट टॉपअप या एड मनी कैसे करेंगे, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपल से यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, जितना अमाउंट अपने वॉलेट में आप टॉपअप करना चाहते हैं या फिर जो अमाउंट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर HDFC PG के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर सिंपल सा एक्सिस बैंक के PG के माध्यम से करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक अमाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर एड मनी वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आ चुके हैं यहाँ पर पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आपको UPI ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का जो नंबर रहता है 16 अंक, वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी मंथ और क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। CVV नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है और ये सिंपल सा इतनी सारी डिटेल डालेंगे आप, करेक्ट करेक्ट डिटेल डाल देंगे। उसके बाद में पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ स्टेप से प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर आपको इस पेज को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, मतलब रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है इस पेज को। यहाँ पर लिखा हुआ भी प्लीज वेट वाइट विल वी रिडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइम वेट करना है। अब आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पर एक 1 टाइम पासवर्ड भेज दिया गया है, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड भेज दिया गया है। उस OTP को, 1 टाइम पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो आपको सिंपल सा इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसेस्ड, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेस का आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से मैसेज आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा वापस यहाँ पर देख सकते हैं एक बार यहाँ पर फिर से वॉलेट ऑप्शन पे जाना है। वॉलेट ऑप्शन पे जाने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाता समरी, तो आपको सिंपल सा समरी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने वॉलेट का बैलेंस यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं या इसका लेन देन देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं समरी ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा वॉलेट लेजर पर जाना है। वॉलेट लेजर पर जाएंगे, देख सकते हैं आपके वॉलेट का यहाँ पर लेजर दिख जाएगा। जो भी आपने लेटेस्ट क्रेडिट किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइप से आपको प्लस का निशान दिखेगा और आपके वॉलेट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी काम किया है, जो सर्विस को यूज़ किया, जो डेबिट हुआ आपके वॉलेट से पैसा, वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस टाइप से बड़ी आसानी से आप भी इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से अपने CSC पोर्टल के वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं या फिर वॉलेट को टॉपअप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अपने वॉलेट को बड़ी आसानी से टॉपअप कर लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किस वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।